हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? टुडे द टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो कि चैप्टर वन में आप देख चुके हैं, पहले आप सीख चुके हो कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, करिकुलम में इसका क्या रोल होता है। तो आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन इज़ द एक्ट ऑफ एजुकेटिंग गिविंग द स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड ऑन एन ऑर्डर। एजुकेशन प्रोवाइड करने का, सिखाने के अमल के दौरान जो हदायत दी जाती हैं, दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें ऐसे इकदामात या हदायत पुट की जाती हैं, कुछ ऑर्डर्स, कुछ अहकामात होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ समवन गिविंग एन अदर पर्सन, एक ऐसी हदायत जो कि एक इंसान दूसरे पर्सन को देता है। डिटेल डायरेक्शन टू द लाइब्रेरी, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे हमें डिटेल्ड में जो है वो डायरेक्शंस लिखी हुई या फिर बताई जाती हैं, या फिर कुछ पर्सन्स होते हैं जो आपको बताते हैं, या फिर कुछ सिंबल्स होती हैं जो लगाई होती हैं कि कहाँ पे आपने कौन सी रोज में जाना है, कौन से कैटलाग्स में जाना है, कहाँ पर आपने सर्च करनी है जाकर। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, आपको हदायत दे दी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इनके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट टू सम एक्सटेंट ऑन साइकोलॉजिकल व्यूज़ अबाउट लर्निंग। तो इसमें कुछ नफ्सियाती ख्यालात, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस को स्टेप वाइज मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। बट इट इज़ कंसर्न विद द ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स फॉर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड इंस्ट्रक्शन, लेकिन वाजिया तौर पर इट इज़ कंसर्न विद द ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स, ये पीपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनकी ग्रुपिंग के साथ इसका कंसर्न होता है, दर्जाबंदी के साथ उनके लिए हदायत जो हैं उनकी क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट्स को उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करने के लिए उनको डायरेक्शंस दी जाएं, असल में उनको लर्निंग के लिए आसानी हो सके। तो इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मुनज्जम किया जाता है, मैनेज किया जाता है। हेयर सम डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट या इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। टोस्टी एंड हार्मोन डिफाइंड 1972 कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट एज दोज इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन टू इनिशिएट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट इन तमाम प्रोसीजर्स और इवेंट्स के लिए होती है जो कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के मखसूस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके डिसीजंस के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, कुछ कंटेंट के लिए या कंटेंट मवाद की अरेंजमेंट के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के अंदर पुट किए जाते हैं। रेसमैन 1968 में कहते हैं, ही स्टेटेड दैट क्लासरूम मैनेजमेंट कवर्स ऑल ऑफ द थिंग्स दैट टीचर डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट space, time and materials so that instruction in content and in student learning can take place. तो रेसमैन कहते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट इट कवर्स ऑल द थिंग्स जो कि एक टीचर ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग और इसके लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, जिसमें प्रॉपर टाइम, स्पेस और तदरीसी मवाद को तरतीब दिया जाता है। सो दैट इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस। इस तरह से कंटेंट और करिकुलम के लिए जो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट होती है, इसकी करिकुलम की जो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट है, इसके लिए मददगार साबित होते हैं। तो स्टूडेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट और करिकुलम की प्रोसेस के लिए, उसकी सक्सेसफुल के लिए इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट जो होती है, अपने हदायात को, कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लेना जो है वो मददगार साबित होता है।
गेट्स 1969 में डिफाइन करते हैं द इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ पीपल एंड मेक डिसीजंस ऑन द पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम इंस्ट्रक्शंस की मदद से अपने प्रोसेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के अबाउट डिसीजंस भी ले सकते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ चिल्ड्रन द सीक्वेंस ऑफ द लेसन, स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेसन्स के सीक्वेंस तरतीब दे सकते हैं। एंड द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शंस के जरिए से हम स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्लासरूम। तो इस सिस्टम के बारे में देखते हैं। द इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प द टीचर बाई प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट डेली अबाउट ईच child's achievement and by suggestion specific activities to help the pupils when he or she does not learn what is presented in any particular lesson। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि instructional management system help the teacher to arrange their teaching steps and materials, और teacher के लिए ये आसानी हो जाती है कि वो experiences को अपनी information को provide कर सकें, transfer कर सकें almost daily basis पर। इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है डेली बेस पर, ताकि हर स्टूडेंट की लर्निंग एंड एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें, अपनी हदायात को देख के उनको जो है वो सीखने में आसानी हो। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को हदायात के ज़रिए से ट्रेन किया जाता है, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इस तरह से फिर वो जानते हैं कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है, जो नॉलेज उनको दिया जा रहा है, उनको जो नॉलेज है उसके लिए जो उसके अबाउट जो एक्टिविटी करवाई जा रही है, वो एक स्पेसिफिक लेसन में क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। द नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजंस फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्लासरूम के डिसिप्लिन को कायम करने के लिए, स्मूथ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद जो होता है कि एट एनी ग्रेड लेवल, किसी भी लेवल पे, बट समवन लेवल हैड बी सिलेक्टेड फॉर इनिशियल डेवलपमेंट एंड डेमोंस्ट्रेशन। तो इब्तदाई तौर पर जो है तमाम इकदाम लिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। बिफोर बिगनिंग द प्लान इंस्ट्रक्शन, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को जब प्लान करते हैं तो स्टार्ट में ही एक जो टीचर है should review the state and national standards as well as text and supplemental material to determine what concepts he must cover over the course of the school year। तो एक टीचर अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स को, मेयारात को, वैल्यूज़ को, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करता है जब भी कोई इंस्ट्रक्शनल जो सिस्टम है उसको प्लान करता है, तो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखता है और उसके साथ साथ कंटेंट, मटेरियल, मवाद जो सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करना है उसको देख लेता है। उसको देखना ज़रूरी होता है कि इसमें क्या हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स गेन हो सकते हैं कि नहीं। देर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स विच अ टीचर शुड कीप इन माइंड When planning instruction, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि एक टीचर को मद्देनज़र रखने चाहिए कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्लान करने के लिए। दीज आर एज कुछ इस तरह से हैं कि क्रिएटिंग अ पर्सनलाइज लेसन प्लान कैलेंडर। सबसे पहले टीचर को पर्सनली अपने कॉन्टेंट या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सम इसेंशियल प्लानिंग्स करनी होती हैं उसने, जिसमें क्या करता है कि टाइम टेबल को बनाता है और उस टाइम टेबल के उसमें ये प्लान कर लेता है कि जब भी इंस्ट्रक्शंस बनानी होती हैं तो पहले वो प्लान करता है। दिस विल हेल्प अ टीचर टू विजुअलाइज एंड ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से टीचर को अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ऑर्गेनाइज कर लेता है, उसको विजुअलाइज कर लेता है। द नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ डिटेल्ड यूनिट लेसन प्लान, और फिर कॉन्टेंट के यूनिट्स को सम स्टेप्स में डिवाइड करके प्लानिंग करनी होती है, जो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो तालीमी मकासद और एक्टिविटीज़ और उसके बाद टाइम एस्टिमेशन और रिक्वायर्ड मटेरियल पर मुश्तमिल जो प्लानिंग्स होती हैं वो करता है टीचर। तो क्या हमारे, ताकि ये देख सके कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स
जो मकासद होंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी होंगी, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, इन तमाम एक्सपीरियंसेस के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा और टीचिंग लर्निंग कंटेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टीचर जब वो अपने स्टेप्स को देखता है और उनके ज़रिए से उसी तरीके से जो है उनको इंस्ट्रक्शंस को पुट करता है, इंस्ट्रक्शंस को बनाता है, ताकि हर किसी को ये बताओ कि हमारे पास टाइम कितना है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स हु माइट बी एबसेंट ड्यूरिंग अ गिवन लेसन। तो जो स्टूडेंट्स एबसेंट होते हैं उनके लिए प्लानिंग करना, उनको वार्निंग्स भी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से ही दी जाती हैं। क्रिएटिंग असेसमेंट इंक्लूडिंग फ्रेम क्लास वर्क होमवर्क एंड टेस्ट। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो अपने इंस्ट्रक्शंस में असेसमेंट के अबाउट भी कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्लान करते हैं। उसमें क्या चीज़ होती हैं, क्लास वर्क होते हैं और क्लास वर्क से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायात होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, होमवर्क दिया जाता है और टेस्ट प्लान किए जाते हैं। एट द एंड रिव्यू हाउ द लेसन और यूनिट फिट्स इन टू ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस प्लान ऑफ फॉर द स्कूल ईयर। रिव्यूइंग में एवेल्यूटिंग होती है और इसमें इंस्ट्रक्शंस में ये बता दिया जाता है कि पूरे जो स्कूल ईयर है उसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस के अंदर लेसन प्लान यूनिट्स के बारे में बता दिया जाता है, टेस्ट वगैरह बता दिए जाते हैं कि कितने टेस्ट होंगे, किस तरह से उसको रिव्यू किया जाएगा, लेसन कितने होंगे। तो वो तमाम हदायात जो हैं वो उनको रिटर्न फॉर्म में दे दी जाती हैं। हाउ डू अ टीचर प्लान इंस्ट्रक्शन, एक टीचर कैसे इंस्ट्रक्शन को प्लान करता है। टीचर इंस्ट्रक्शंस को प्लान करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस प्लान करते हुए टीचर्स ज़ेरे गौर रखते हैं। सबसे पहले स्टेट डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, जो एक्टिविटीज़ प्रोग्राम के अबाउट एक्सपीरियंसेस जो क्लासेस होंगी इन तमाम मामलात की क्वालिटी को इंश्योर करना। इस तरह से टीचर जो है वह जब इन चीज़ों को इंश्योर करता है तो उसके लिए प्लान करना आसान हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस को बनाना आसान हो जाता है। हैव स्टूडेंट्स पैराफ्रेज डायरेक्शंस, कैन स्टूडेंट्स जो हैं इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं क्या वो क्लियर हैं, डायरेक्ट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिंपल और क्लियर और डायरेक्ट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये चीज़ भी देखनी होती है टीचर्स को कि इनकी जो हदायत पर तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं क्या वो सब तवज्जो उनकी सबकी जो अटेंशन है वो दे रहे हैं, मतलब इंश्योर दैट एवरीवन इज़ पेइंग अटेंशन, कि क्या हर कोई इसको इनकी इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो हो रहा है या नहीं हो रहा। इंश्योर दैट ऑल डायरेक्शंस हैव बीन रिमूव्ड, यह चीज़ भी देखें कि क्या तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो इन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो रिमूव हो रही हैं या इस पर अमल हो रहा है। डिस्क्राइब एक्सपेक्टेशंस एक्टिविटीज़ एंड इवेल्यूशन प्रोसीजर्स, तो इसमें तमाम एक्टिविटीज़ प्रोसीजर्स और एक्सपेक्टेशंस जो स्कूल इंतज़ामिया की या जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है उनको इंस्ट्रक्शंस पर डिस्क्राइब होना चाहिए। स्टार्ट विद अ हाईली मोटिवेटेड एक्टिविटी, तो इंस्ट्रक्शंस को जब भी स्टार्ट करें, जब भी पुट करें तो अच्छी मोटिवेशनल एक्टिविटी के ज़रिए से करें। बिल्ड लेसन अपॉन प्रायर स्टूडेंट्स नॉलेज, तो ऐसे लेसन बिल्ड करें, लेसन ऐसे प्लान करें कि स्टूडेंट्स के नॉलेज को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रेफर करना चाहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू पुट समथिंग इन टू अफेक्ट और एक्शन, पुटिंग इन एक्शन द एक्टिविटीज़। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स टू पुट समथिंग इन टू इफेक्ट और एक्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं या हदायात को तैयार किया जाता है, बड़े मनसूबे बनाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो हदायात मुकम्मल हो जाती हैं या प्लान कम्प्लीट हो जाता है, तो इसको फिर अमल दरामद करना होता है और इस पर इस प्लान को लागू करना होता है। तो सम एक्शंस आर टेक प्लेस इन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ एक्शंस को किया जाता है, अमल दरामद किया जाता है। टू स्टार्ट एनी एजुकेशनल प्रोग्राम, तो कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो द पर्पज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी काम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का जो मकसद होता है, इस प्रोग्राम के जो मेन इंडिविजुअल्स हैं, जो इसके मेन अफराद होते हैं, उनको मेंटली फिज़िकली और साइकोलॉजिकली रेडी करना, प्रिपेयर करना, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ख़ुद को तैयार करें और अपने फ़राइज़ को सरंजाम दें। यहाँ पर कुछ एजुकेशनल जो एजुकेशनल फील्ड में करिकुलम की डेवलपमेंट और प्रोसेस को सक्सेसफुली मुकम्मल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए करने का जो मकसद होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रिपेयर किया जाए फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस।
तो इसका जो मेन मकसद होता है कि प्रिपेयर द टीचर्स एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द टीचर टू फैसिलिटेट द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड द लर्निंग रिसोर्सेज दैट हैव बीन न्यूली डिवेलप्ड। तो जो भी नए रिसोर्सेज आते हैं, जो नए कॉन्टेंट्स आते हैं, नए प्लान्स आते हैं, नए लेसन्स आते हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट होती हैं, वो इसका मकसद ये होता है कि टीचर्स को उसके लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या चेंजिंग्स आई हैं, क्या फैसिलिटी, और उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको प्रिपेयर किया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग के अंदर इन न्यू चेंजिंग्स को इन हदायात के ज़रिए से जो है वो ला सकें। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना और उनको चीज़ों की शनाख्त कराना कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि वह अपनी उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर हो सके, इंश्योर करें इस चीज़ को इन द इंस्ट्रक्शन एंड इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद द न्यूली डेवलप्ड लर्निंग रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली जो है वो प्रिपेयर करना होता है ताकि वो पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करें और इंटरेक्ट करें न्यू जो चेंजिंग्स आई हैं उसके लिए। इम्प्लीमेंटेशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? तो इम्प्लीमेंटेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर, ये सबसे पहले आता है कि माहौल को, लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव बनाना होता है, एक करैक्ट इस ताकि जो है वो माहौल जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके और हर किसी को अपनी डायरेक्शन का पता हो सके और लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो सके। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीडबैक, एक करैक्टरिस्टिक इसका यह है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीडबैक, ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद तक रसाई के लिए आसानी हो जाती है और फीडबैक भी क्लियरली और फेयरली हो जाता है, नतायज जो हैं, जो रिजल्ट होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं डायरेक्शंस के ज़रिए से। हदायत के मुताबिक सब इंडिविजुअल्स में कोऑपरेटिव एबिलिटीज़ डिवेलप होती हैं, ग्रुप वर्क जैसे करैक्टरिस्टिक्स डिवेलप होते हैं कि ग्रुप में कैसे काम करना, और कोऑपरेशन का माहौल जो है वो प्रोवाइड होता है। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस की करैक्टरिस्टिक्स ये भी हैं कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू डिवेलप अंडरस्टैंडिंग, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिवेलप करें, अपनी डायरेक्शन को देख सकें, उसको क्लियर कर सकें। इसके अलावा हेल्पिंग द स्टूडेंट्स एक्सटेंड एंड अप्लाई नॉलेज, को अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को गेन करें और अपनी जो एक्टिविटीज़ के लिए अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकें। क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर लेसन, तो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत मददगार साबित होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत यूज़फुल होती हैं, इंस्ट्रक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बहुत यूज़फुल होती है। इंस्ट्रक्शंस मैचेस द स्टूडेंट्स नीड्स, तो इम्प्लीमेंटेशन की करैक्टरिस्टिक में आता है कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो स्टूडेंट्स की नीड से मैच कर रही होती हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं।